ट्रू फॉल्स के फॉर्म में या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में तो मतलब ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे रिकॉल uh, करने के लिए हेल्पफुल होती हैं पूरे चैप्टर में जो हमने मेन मेन कॉन्सेप्ट्स पढ़े होते हैं और क्योंकि रैंडमली हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट हमें कितना क्लियर है चलते हैं फर्स्ट एम सी क्यों उसकी स्टेटमेंट की तरफ और रीड करते हैं और उसे करते हैं अंडरस्टैंड इन द एडजेसेंट फिगर ऑफ द सर्कल द लाइन पी टी क्यू इज़ नेम्ड एज अब आपने ये बताना है स्टूडेंट के हमारे पास जो फिगर है जिसमें एक सर्कल हमें नज़र आ रहा है उस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है और उस सर्कल को टच होकर गुजरते हुए हमें एक लाइन नज़र आ रही है किस पॉइंट पे टच हो रही है वो पॉइंट है टी और हमारे पास लाइन कौन सी है पी क्यू है तो बेसिकली हमें बताना है ये जो हम लाइन को डिस्कस कर रहे हैं पी टी क्यू इसका नेम क्या है क्या ये एक आर्क है जो कि हमें एक ए ऑप्शन में मेंशन है बी ऑप्शन में क्या मेंशन है अकॉर्ड सी ऑप्शन में मेंशन है टेंजेंट और डी में हमें गिवन है आर सिकेंड अब देखिए स्टूडेंट हमें पता है कि आर्क क्या होती है हमारे सर्कम फेयरेंस का ही एक हम कोई भी पोर्शन ले लें कोई भी पार्ट ले लें तो वो जो सर्कुलर पोर्शन या पार्ट होता है सर्कम फेयरेंस का वो आर्क होता है ऑब्वियसली लाइन है तो वो तो हम नहीं कह सकते उसके बाद कॉर्ड है तो कॉर्ड हमारे पास लाइन सेगमेंट होती है लाइन नहीं होती और ऐसी लाइन सेगमेंट होती है स्टूडेंट जो कि टच करती है सर्कम के टू डिफरेंट पॉइंट्स को तो इसका मतलब है ये कॉर्ड भी नहीं है फिर देखते हैं पहले डी को फिर चलते हैं सी की तरफ तो डी ऑप्शन हम पहले क्यों डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि डी ऑप्शन भी नहीं है हमें बेसिकली रीज़न पता होना चाहिए कि डी ऑप्शन क्यों नहीं है सीकेंड को स्टूडेंट हमने क्या अंडरस्टैंड किया है इस चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे पास सीकेंड एक ऐसी लाइन थी जो सर्कल को टू डिफरेंट पार्ट्स में कट करते हुए गुजरती है तो हमने देख सकते हैं कि यहाँ पे टू पार्ट्स में नहीं कट कर रही या टच कर रही है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पर कर रही है टच तो जो मैं बार बार एक पॉइंट कह रही हूँ या सिंगल पॉइंट कह रहे हूँ मैं तो इसका मतलब ये है कि हम किसी डेफिनेशन को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो है डेफिनेशन टेंजेंट की तो ये स्टूडेंट ये टेंजेंट लाइन है जो कि यहां पे ड्रॉ हुई हुई है तो हम सी ऑप्शन को कर देंगे मार्क सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन आ टेंजेंट ओके नाउ लुक एट द सेकंड फिगर ऑफ द सेकंड एमसीक्यूज इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ इफ ओ टी इज द रेडियल सेगमेंट अब यहाँ पे ओ टी स्टूडेंट क्या है हमारे पास रेडियल सेगमेंट है एंड पी टी क्यू इज द टेंजेंट लाइन और यहाँ पर गिवन है कि पी टी क्यू क्या है टेंजेंट लाइन है देन हमें बेसिकली रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन का जो रिलेशन हमने पढ़ा है उसको बताना है कि दोनों का क्या रिलेशन होता है तो ए ऑप्शन क्या है ओ टी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू ओ टी जो है पी क्यू के क्या है परपेंडिकुलर है बी ऑप्शन में क्या है ओ टी पी क्यू के परपेंडिकुलर नहीं है सी ऑप्शन क्या है ओ टी पी क्यू के क्या है पैरेलल है और डी ऑप्शन क्या है हमारे पास ओ टी इज अराइड बाई सेक्टर ऑफ पी क्यू ओके okay स्टूडेंट हम वन बाय वन इसको देखते हैं अब मैं डी से स्टार्ट करती हूँ जहाँ पे मैंने स्टेटमेंट को पढ़ के एंड किया है ओ टी इज़ राइट बाय सेक्टर ऑफ पी क्यू अब ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है रीज़न क्या है कि देखिए स्टूडेंट हमें नज़र आ रहा है कि ओ टी क्या है रेडियल सेगमेंट है और पी क्यू क्या है हमारे पास एक लाइन है जो कि बेसिकली किस को रिप्रजेंट कर रही है टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमने क्या अंडरस्टैंड किया हमने ये पढ़ा है कि जो रेडियल सेगमेंट होती है वो टेंजेंट के साथ क्या होती है परपेंडिकुलर होती है तो हमने यहाँ पर राइट बाय सेक्टर की बात की अगर सिर्फ मैं यहाँ पर राइट वर्ड देखती तो ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता था लेकिन यहाँ पर राइट right के साथ है बाय सेक्टर तो हम बाय सेक्टर वाली कंडीशन फुलफ़िल हो या ना हो हम इस बात पर वो नहीं कह सकते कि बाइसेकट करेगा या नहीं करेगा लेकिन हाँ हमें ये ज़रूर पता है स्टूडेंट कि जो हमारे पास रेडियल सेगमेंट होगी वो टेंजेंट के साथ क्या होगी परपेंडिकुलर होगी तो बेसिकली जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है बी इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कहा गया है कि वो परपेंडिकुलर नहीं है सी इसलिए नहीं है कि कहा गया है कि ओ टी और पी क्यू क्या है पैरल तो हमें नज़र आ रहा है पैरल लाइन्स ऐसी लाइन्स होती हैं जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ना करें तो यहाँ पर इंटरसेक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं तो कभी भी ये पैरल लाइन नहीं हो सकती सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन ना लुक एट द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द एम सी क्यूज इन द एडजस्ट फिगर फाइंड सेमी सर्कुलर एरिया हमें क्या करना है स्टूडेंट हमें एरिया फाइंड करना है सेमी सर्कुलर एरिया बेसिकली फाइंड करना है अगर हमारे पास, पास पाई की वैल्यू क्या है थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स और जो हमारे पास ओ ए है वो उसकी हमारे पास क्या वैल्यू है गिवन वो है ट्वेंटी सेंटीमीटर्स अब स्टूडेंट देखें ओ से लेकर ए तक ओ क्या है ये हमारे पास सेमी सर्कल ड्रा हुआ है सेमी सर्कल का मतलब है सर्कल का हाफ मतलब आधा सर्कल हमें यहाँ पे उसकी आधे सर्कल की फ़िगर नज़र आ रही है इस आधे सर्कल का हमने क्या फ़ाइंड करना है एरिया फ़ाइंड करना है तो एरिया का फार्मूला स्टूडेंट सर्कल का क्या होता है पहले कंप्लीट सर्कल का पता होगा तो हम उसका हाफ़ फाइंड आसानी से कर सकते हैं सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्य तो इस फॉर्मूले में हमें पाई की ज़रूरत है और ज़रूरत है आर की आर क्या है रेडियस है स्टूडेंट तो अब देखें यहाँ पर क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो हमें तो हम जो हमारे पास फॉर्मूला है उसका ले लेंगे हाफ मैथ्स में हाफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं वन बाय टू से मतलब पाई आर स्केयर बाय टू हमारे पास फार्मूला होगा अब इस फार्मूले में स्टूडेंट हम क्या करेंगे पाई की जगह ये जो हमारे पास वैल्यू है थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स फुट करेंगे और अब देखना ये है कि आर क्या है क्योंकि हमने आर का लेना है स्केयर और फिर उसको मल्टीप्लाई करवा देना है पाई के साथ तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है रे, रेडियो लाइन सेगमेंट को या बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस की लेंथ को जो कि हमें गिवन है 20. इट मीन्स 20 इज द लेंथ ऑफ द रेडियस एंड पाई की वैल्यू हमें गिवन है अब हम क्या करेंगे पाई 20 का ले लेंगे स्केयर और उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ तो स्टूडेंट हम देखेंगे कैलकुलेटर पे करेंगे सॉल्व और सॉल्व करने के बाद हमें देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है आंसर आ रहा है सिक्स टू एट पॉइंट थ्री टू स्केयर सेंटीमीटर अब हमें पता है कि हम एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया का यूनिट क्या होता है हमेशा हम स्केयर में लिखते हैं तो इसलिए स्केयर सेंटीमीटर हमने इसलिए आया है और आंसर हमारे पास आया है कैलकुलेटर की मदद से अब स्टूडेंट देखें फोर्थ स्टेटमेंट को इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड हाफ द पैरामीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ इफ पाई इक्वल टू थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स एंड ओ एक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर अब बेसिकली हमारे पास फिगर स्टूडेंट हम अगर देखें तो फिगर तो वही है क्यों वही है क्योंकि हमारे पास रेडियस की वैल्यू ट्वेंटी है पाई हमें गिवन है और हम बात फिर कर रहे हैं सेमी सर्कल की अब हमने फाइंड करना है पैरामीटर तो पैरामीटर स्टूडेंट क्या होता है पैरामीटर हमारे पास होते हैं सम ऑफ बाउंड्रीज एरिया में हम बात करते हैं जितना उसने किसी भी फिगर ने या किसी भी शेप ने एरिया कवर या पोर्शन कवर किया है उसे हम कहते हैं वो उस फिगर का एरिया है लेकिन जब हम पैरामीटर की बात करें तो सिर्फ हम बाउंड्री को लेकर चलते हैं तो सर्कल के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है कंप्लीट सर्कल के टू पाई आर लेकिन हम कंप्लीट सर्कल नहीं ले रहे हम ले रहे हैं इसका हाफ़ तो टू पाई आर जब मैं टू से डिवाइड करूंगी तो टू टू से हो जाएगा कैंसिल तो हमारे पास क्या रह जाएगा पाई आर रह जाएगा अब हमने क्या करना है पाई की वैल्यू जो कि गिवन है और आर की वैल्यू जो कि हमें गिवन है उनको करना है मल्टीप्लाई और कैलकुलेटर पर देखेंगे आंसर क्या आ रहा है ये yes, स्टूडेंट हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो है वो आ रहा है बी क्योंकि हमारा आंसर भी यही है सिक्सटी टू सेंटीमीटर अब मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर स्केयर क्यों नहीं मेंशन किया क्योंकि हम एरिया की बात नहीं रहे हम बात कर रहे हैं पैरामीटर की तो पैरामीटर के साथ हम स्केयर सेंटीमीटर स्केयर मिली मीटर स्केयर या कोई भी स्केयर में हम यूनिट को मेंशन नहीं करते ओके फिफ्थ एमसीक्यूज इज लाइन विच हैज टू पॉइंट्स इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड अब स्टूडेंट हमने बात की है लाइन की ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम टू पॉइंट्स को अगर सर्कल के साथ देखें तो हम देख सकते हैं कि दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती थी कि अगर लाइन वर्ड इस स्टेटमेंट में ना होता वो क्या है स्टूडेंट ए ऑप्शन है हमारे पास साइन ऑफ अ सर्कल ऑब्वियसली कि हम डिग्नोमेट्रिक uh, जो रेसूज़ हैं उन उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं तो साइन ऑफ अ सर्कल नहीं हो सकता कि अगर हम टू कॉमन एंड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो साइन अगर मैं सर्कल को कहूँ साइन ऑफ अ सर्कल तो वो सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन से हमें नहीं पता चलता बी ऑप्शन क्या है को साइन ऑफ अ सर्कल ये भी हमारे लिए ऑप्शन करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सी ऑप्शन है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल अब टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्यों नहीं है यहाँ पे हमने कहा है कि हमारे पास टू कॉमन पॉइंट्स हैं अब देखें क्या है हमारे पास टू पॉइंट्स और हमारे पास टेंजेंट जो होता है सर्कल को वन पॉइंट पे टच करके पास कर जाता है तो सी ऑप्शन में नहीं है तो जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन वही करेक्ट ऑप्शन है जो कि है सिकेंड ऑफ अ सर्कल हमने भी फर्स्ट जब किया था ये हमने अभी जो पीछे करते हुए आए हैं हमसे कुछ उसमें भी हमने सीकेंट को डिस्कस किया है और ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो इन तीनों में से कोई और ऑप्शन नहीं हो सकती जो कि हमें स्टेटमेंट गिवन है वो है डी ऑप्शन की सिक्स इज अ लाइन विच हैज ओनली वन पॉइंट इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड अब हमने बताना देखें पहले बात की गई थी टू कॉमन पॉइंट्स की अब बात की जा रही है वन कॉमन पॉइंट स्टूडेंट तो यहाँ पर देखें ऑप्शन वही हैं जब भी हमने ऑप्शन डिस्कस की हैं लेकिन अब यहाँ पर हम ऑप्शन को करेक्ट कह सकते हैं क्योंकि हमने वन कॉमन पॉइंट की बात की है तो टेंजेंट में हम वन ही पॉइंट को लेकर चलते हैं इसलिए सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल नेक्स्ट वन इज टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर डैश इन लेंथ अब हमें पता है कि अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें सर्कल के बाहर एक पॉइंट के अकॉर्डिंगली तो जो बेसिकली हमारे पास लेंथ होगी वो क्या होगी वो होगी इक्वल क्योंकि जब हमने बात की थी लेंथ ऑफ टेंजेंट की तब हमने कहा था मैयर ऑफ़ पी इक्वल्स टू मैयर ऑफ़ पी बी पी हमने पॉइंट लिया था जो कि सर्कल से बाहर था और ए भी वो पॉइंट्स थे जहाँ से हमारे पास जो टेंजेंट्स थे वो टच होकर गुजर रहे थे तो हमने वहाँ पर देखा था कि दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं नेक्स्ट इज आ सर्कल हैज़ ओनली वन अब सर्कल का सिर्फ एक क्या होता है सिकेंड नो कॉर्ड नो हम ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं कॉर्ड भी सिकेंड भी डायामीटर नो डायामीटर भी सिर्फ एक नहीं होता कई लाइन सेगमेंट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं डायामीटर को डी ऑप्शन इज सेंटर यस स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ सेंटर है जो कि सर्कल का एक होता है एक से ज़्यादा नहीं होता अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट अब टेंजेंट लाइन सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट uh, करती है थ्री टू सिंगल नो पॉइंट एट ऑल ऑब्वियसली थ्री भी नहीं है हमारा क्योंकि हमें पता है कि एक पॉइंट पे करती है तो so, थ्री भी नहीं हो सकता टू भी नहीं हो सकता और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिंगल पॉइंट क्योंकि हम वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वन पॉइंट को सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर डैश टू ईच अदर अब हमने ये प्रूव की हुई है इस स्टेटमेंट uh, को हम प्रूव करते हुए आ रहे हैं स्टूडेंट कि अगर हमारे पास दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं किसके एंड पॉइंट्स पर डायमीटर के तो आपस में क्या होंगे पैरेलल, नॉन पैरेलल, कोलीनियर परपेंडिकुलर। तो जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है क्योंकि वो दोनों आपस में टेंजेंट्स क्या होंगे पैरेलल होंगे ओके नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ विच इज़ बेसिकली द एलेवंथ वन

हमारे दो सर्कल्स का जो कि हम एक्सटर्नली लेकर चल रहे हैं वो क्या होता है डायमीटर होता है सो डायमीटर ऑफ ई सर्कल तो हर सर्कल का जो डायमीटर है वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है जो कि स्टेटमेंट में हमें कही गई है ये स्टूडेंट द सेकेंड लार्ज स्टेटमेंट इज इन द एडजसेंट सर्कुलर फिगर विद सेंटर ओ एंड द रेट इज फाइव सेंटीमीटर अब हमारे पास एक फिगर है स्टूडेंट जैसे कि हम देख सकते हैं और ऑब्वियसली ये सर्कुलर फिगर है और इसमें इसका सेंटर क्या है ओ इसका सेंटर है और रेडियस की हमारे पास लेंथ क्या है फाइव सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस की लेंथ है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड एट फोर सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल अब हमें बेसिकली स्टूडेंट क्या बताना है हमें हमारे पास जो यहाँ पर लेंथ है ए बी उस लेंथ को हमें फाइंड करना है अब इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो ये है कि हमारे पास रेडियस फाइव सेंटीमीटर का है और जो हमारे पास वर्ण तो हम देख सकते हैं ए बी कॉर्ड है उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या है फोर सेंटीमीटर है अब देखें ओ से अगर मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं ए बी के ऊपर जो कि उसका डिस्टेंस शो करेगी ऑब्वियसली वो एक परपेंडिकुलर लाइन होगी तो वो हमारे पास आ जाएगी OC OC क्या है एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है जो कि शो कर रही है डिस्टेंस का सेंटर से उस कॉर्ड के ऊपर जो कि है फोर सेंटीमीटर अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक राइट ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है इस राइट ट्रायंगल में अब देखें OC क्योंकि परपेंडिकुलर है AB के ऊपर तो मैं देख सकती हूं कि हमारे पास एक पॉइंट O आ गया C और A आ गया जो तीनों ऐसे वो डिसीजन जो मिलके बना रहे हैं ट्रायंगल और वो ट्रायंगल क्या है राइट ट्रायंगल है तो बेसिकली राइट ट्रायंगल को यहाँ पे इतना प्रोमनेंट करने की ज़रूरत क्यों है क्योंकि मुझे फाइंड करनी है ए बी की लेंथ और मुझे पता है कि जो सी है वो बेसिकली मिड पॉइंट है ए और बी का तो अगर ए बी लाइन सेगमेंट का सी मिड पॉइंट है तो सी से ए का डिस्टेंस और सी से बी का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास राइट ट्राइंगल है वो हाफ जो पार्ट है इस कॉड के उसमें हमें नज़र आ रहा है तो अगर मैं इसको फाइंड कर लूँ मतलब मैं ए सी को या सी ए को फाइंड कर लूँ स्टूडेंट तो उसको मैं अगर डबल कर दूँगी तो मेरे पास आ जाएगी पूरी कॉर्ड की लेंथ तो हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं पैथोग्रेस थियोरम को अब देखें क्योंकि ओ सी पर पेंडिकुलर है ए बी के ऊपर और हम जो ले रहे हैं लाइन सेगमेंट वो ले रहे हैं स्टूडेंट बेसिकली ए सी ले रहे हैं तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो एंगल है आ, जो बन रहा है हमारे पास सी वर्टेक्स पे जहाँ पे हम जो जॉन सी उसकी टर्मिनल इनिशियल साइड ले रहे हैं इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली वहाँ पर एंगल है 90 डिग्री अब वो अगर एंगल 90 डिग्री है स्टूडेंट तो उसके ऑपोजिट साइड पे जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होगी वो शो करेगी हाईपोर्टनीस को तो स्टूडेंट जो हमारे पास है हाईपोर्टनीस की लेंथ वाइव सेंटीमीटर और हमारे पास जो है परपेंडिकुलर उसकी लेंथ है फोर सेंटीमीटर और ए सी जो बेसिकली लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ मुझे फाइंड करनी है अगर उसे लेट्स पोज मैं कह दूं कि वो मेरे पास क्या है वो मेरे पास एक्स है हम एज इट इज़ भी लेकर चल सकते हैं तो मेरे पास अगर पैथोग्रिस्ट्रम अप्लाई करूँगी तो क्या इक्वेन बनेगी इसको ज़रा देखते हैं फाइव स्केयर एकवल टू फोर स्केयर प्लस एक्स स्केयर या एक्स प्लस फोर स्केयर अब देखिए स्टूडेंट मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो अब फाइव का स्केयर क्या होता है ट्वेंटी फाइव और फोर का स्केयर क्या होता है सिक्सटीन होता है तो सिक्सटीन अभी एक्स स्केयर के साथ हो रहा है एड जब दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें पता है ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन इक्वल्स टू नाइन तो हमारे पास एक्स केयर की वैल्यू क्या आ गई नाइन आ गई बट ऑब्वियसली मुझे एक्सकेयर की नहीं एक्स की वैल्यू चाहिए मतलब ए सी की वैल्यू चाहिए विदाउट स्केयर तो वो क्या आ जाएगी मैं दोनों तरफ ले लूँगी स्केयर रूट और हमें पता है नाइन किसका स्केयर होता है नाइन स्केयर होता है थ्री का तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री स्केयर तो स्केयर कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री आ जाएगी अब देखें अभी हमारे पास जिस लाइन सेगमेंट की वैल्यू आई है वो है ए सी लेकिन मुझे क्या रिक्वायर्ड है मुझे ए भी कम्प्लीट कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है तो हमें पता है जो ए सी हमारे पास लाइन सेगमेंट है वो इक्वल है किसके बी सी के इक्वल है मतलब या तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूं या मैं किसी भी एक पार्ट को कर दूं डबल क्योंकि दोनों ही हैं इक्वल तो अगर मैं थ्री को डबल करती हूँ स्टूडेंट तो मेरे पास आंसर आ जाएगा सिक्स तो हम देख सकते हैं कि ए ऑप्शन पे है फोर सेंटीमीटर बी ऑप्शन पे है सिक्स सेंटीमीटर सी ऑप्शन पे है सेवन सेंटीमीटर और डी ऑप्शन पे है नाइन सेंटीमीटर सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज सिक्स सेंटीमीटर्स यस स्टूडेंट 13th MCQs or basically the last MCQs of this सी क्यूज ऑफ अब देखिए स्टूडेंट लास्ट जो हमारे पास एम सी क्यूज है उसमें हमें एक फिगर नजर आ रही है इस फिगर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि हम सॉल्व करके ही ऑप्शन को कर सकते हैं मार्क सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर इसको देखते हैं किस तरीके से हम मार्क करेंगे इन द एड ज्वाइनिंग फिगर देयर इज़ अ सर्कल विद सेंटर ओ अब हमारे पास एक सर्कल है जो जो कि हमें नज़र आ रहा है इसका सेंटर क्या है ओ है इफ डी सी इज़ पैरल टू डाया मीटर ए बी अब डी सी क्या है डी सी हमें रिप्रेजेंट कर रही है एक कॉर्ड जो कि पैरल है ए बी के साथ और ए बी क्या है हमारे पास डाया है डाया एक, एक ऐसी कॉर्ड है जो कि सेंटर से होते हुए गुजरती है और हम देख सकते हैं कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है ओ में से कर रही है पास अब एंगल कौन सा गिवन है हमें एंगल गिवन है ए ओ सी जो कि हम देख सकते हैं वन ट्वेंटी डिग्री जो कि फिगर में भी नज़र आ रहा है अब हमें करना क्या है फाइंड उसको देखते हैं देन फाइंड सो वॉट वी हैव टू फाइंड हेयर वी हैव टू फाइंड मैयर एंगल ए सी डी अब एंगल ए सी डी स्टूडेंट हमें फ़ाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये जो हमें ट्राई एंगल नज़र आ रहा है इनके एंगल की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर एक ट्राई एंगल है तो उसके इंटीरियर एंगल्स को हम कर दें ऐड तो वो किसके इक्वल होते हैं वन एटी डिग्री के इक्वल होते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर करने जा रहे हैं यूज़ तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ओ ए मैयर ओ ए और मैयर ओ सी क्या हैं आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों ही शो कर रहे हैं किसको रेडियस को शो कर रहे हैं तो एक सर्कल के जितने भी रेडियस हो स्टूडेंट वो होते हैं आपस में इक्वल तो हम इसको बना लेंगे एक क्वेश्चन नंबर वन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन आ गई जिसमें हमने ओ ए को ओ सी के क्या कह दिया कि दोनों आपस में इक्वल हैं उसके बाद अब मैं रिजल्ट यूज़ करने लगी हूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइ एंगल इक्वल्स टू वन एटी डिग्री वन एटी के इक्वल है तो हम तीनों एंगल्स को अगर पुट कर दें यहाँ पर एक जो एंगल हमारे पास बन रहा है ए वर्ट एक्स पे और दूसरा जो हमारे पास बन रहा है सी वर्ट एक्स पे ऑब्वियसली ये एंगल शेयर हो रहे हैं लेकिन हम सिर्फ वो उतने पोर्शन की बात कर रहे हैं जो कि आ रहा है ट्राइंगल के अंदर तो अब मैं मैं एंगल ए प्लस मैं एंगल सी प्लस वन ट्वेंटी डिग्री इक्व टू वन एटी डिग्री लिख सकती हूँ तो अब मैं क्या करूँगी स्टूडेंट वन ट्वेंटी को ले जाऊँगी इक्वल टू के दूसरी साइड पे जो कि यहाँ पे हो रहा है प्लस वहाँ जाके हो जाएगा माइनस वन एटी माइनस वन ट्वेंटी इक्व टू सिक्सटी डिग्री अब हमारे पास क्या आ गया है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू सिक्सटी डिग्री अब स्टूडेंट देखें मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि हमारे पास ओ ए और ओ सी क्या हैं इनकी लेंथ आपस में इक्वल है तो अगर ये स्टूडेंट हमारे पास लेंथ इक्वल है तो बेसिकली हमें यह पता चल सकता है कि अगर एक ट्राइंगल में हमारे पास दो साइड उसकी हो इक्वल वो होता है एसोसलस ट्राइंगल तो एसोसलस ट्राइंगल में उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं अब Uh, हमारे पास ओ सी के ऑपोजिट एंगल ए है और ओ ए के ऑपोजिट एंगल सी है तो उसका मतलब है ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए तो मैं ए की जगह सी की वैल्यू पुट कर या पर ख़ाली हमने बेसिकली करना क्या है हमने ए और सी को अलहदा आहदा नहीं रहने देना इस किसी को एक में ले आना या तो हम सी में ले आएंगे या तो हम इसको ले आएंगे ए में तो बेसिकली मैं सी की जगह राइट कर दूंगी ए अब रीज़न क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि हमने ए में ही क्यों किया है ए को सी में क्यों नहीं किया अब ए आ गया ए प्लस ए इक्वल्स टू सिक्सटी डिग्री तो हम क्योंकि सेम है इसको आ जाएगा टू ए टू एक्ल्स टू सिक्सटी डिग्री और टू हो जाएगा वहाँ इक्वल टू के उस साइड पे डिवाइड क्योंकि यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई सिक्सटी डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा हमारे पास थर्टी डिग्री आंसर अब देखें अभी यहाँ पर हमारे पास आया है एंगल एट ए वर्टेक्स जो कि हमें ट्राई का अंदर नज़र आ रहा है एंगल लेकिन हमें वो तो नहीं फ़ाइंड करने के लिए कहा गया हमें एंगल फाइंड करने के लिए कहा गया है ए सी डी अब देखिए स्टूडेंट हमें एक इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में गिवन है कि डी सी और ए बी आपस में क्या हैं पैरेलल हैं तो हम देख सकते हैं कि ए पे जो एंगल बन रहा है और वहाँ पे सी पे हमारे पास बेसिकली एंगल बन रहा है ए और डी इनिशियल और टर्मिनल आर्म के साथ तो हम क्या यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे हम ये नोटिस कर सकते हैं स्टूडेंट चीज़ कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्यों इक्वल है अब दो पैरल लाइन्स हैं हमारे पास और जो हमारे पास ए सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसवर्सल इस तरीके से उसे कट कर रहा है ये स्टूडेंट हमें नजर आ रहा है कि जो एंगल यहाँ बन रहा है और जो एंगल बन रहा है यहाँ वो दोनों आपस में कौन से एंगल हैं ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं इसी वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 30 डिग्री है क्योंकि हमने देखा था कि हमारे पास अगर मैं टर्मिनल इनिशियल साइड को भी इन्वॉल्व करूं जो हमारे पास एंगल आ रहा था ओ ए सी वो क्या आ गया था थर्टी डिग्री और जो कि हमारे पास इक्वल है किसके ए सी डी के जो कि वो भी आ जाएगा थर्टी तो हमारे पास थर्टी डिग्री बेसिकली आ रहा है बी ऑप्शन में क्योंकि ए पे है फोर्टी सी पे है फिफ्टी और डी पे क्या है सिक्सटी डिग्री सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन अब स्टूडेंट हमने देखा फिगर्स के फॉर्म में या स्टेटमेंट्स के फॉर्म में हमने किस तरीके से इस चैप्टर के कई कॉन्सेप्ट को कर लिया है रिवाइज़ यही मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम ऑब्जेक्टिव पार्ट करते हैं तो उसमें हम बेसिकली करने का जा रहे होते हैं हम कर रहे होते हैं पूरे चैप्टर को रिवाइज वो उसकी होती है समरी इसलिए इन सब चीज़ों को भी आ, निग्लेक्ट करना अच्छी बात नहीं है इनको भी उतने ही अटेंशन के साथ समझना जरूरी है ये नहीं कि सिर्फ उनको लर्न कर लिया जाए समझ के लर्न करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आई होप के जो हमने आज एम सी क्यूज डिस्कस किए हैं वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं यस स्टूडेंट आई होप कि जिस तरीके से हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया है आपको आ चुका है समझ तो इन सब को क्राइम करने की बजाय तो बेहतर है कि आप इनको क्या करें इनको करने की कोशिश करें अंडरस्टैंड और इन्हें फिर करें लर्न सी इन द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज़